उधम सिंह नगर जिले में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ माह से एक के बाद एक कई हत्याओं की घटना से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला जिला मुख्यालय रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शिमला पिस्तौर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने का तरीका भी हैरान करने वाला है। पति ने पत्नी को गोबर के दलदल में डुबा डुबा कर मार डाला। यह देख बच्ची बीच बचाव करने लगे तो आरोपी ने उनकी भी पिटाई कर दी और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से करनई बलिया उत्तर प्रदेश निवासी आजाद राजभर शिमला पिस्तौर गंगापुर फार्म में काम करता है। उसके साथ उसकी पत्नी रानी और बच्चे भी रहते थे। बताया जा रहा है आजाद नशे का आदि है। रोजाना नशे में मामूली बात पर अपनी पत्नी की पिटाई करता था। रात 1 बजे किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आजाद अपनी पत्नी रानी को खींचकर घर के पास एक गोबर के दलदल के पास ले गया, जहाँ उसने पत्नी को गोबर के दलदल में तब तक डुबाता रहा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। शोर होने पर आजाद का पुत्र सूरज अपने भाई बहनों के साथ पहुंचा और विरोध करते हुए मां को बचाने लगा। इस पर आजाद ने बच्चों की भी पिटाई कर दी और फरार हो गया। बच्चों को रोता देख आसपास के लोग एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के पुत्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप की तलाश शुरू कर दी है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये जो घटना का एक प्रकरण प्रकाश में आया है, इसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त की तलाश की जा रही है और अभियुक्त की तलाश के लिए इसमें 7 टीमें गठित की हैं, जो कि हर पहलू पे इसकी जांच कर रही हैं। साथ में इसमें और यदि और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।